आज की इस वीडियो में आप जानेंगे एक्सिस बैंक में आप अपना अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए आपको एक्सिस बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। उसके बाद इस 3 डॉट पे क्लिक करके अप्लाई नाउ पर, उसके बाद डिजिटल सेविंग अकाउंट पर क्लिक करना है। इसमें आपको 4 कैटेगरी का अकाउंट खोलने का ऑप्शन आता है। मैं सबसे लो क्वालिटी यानी EGSS अकाउंट को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है, यहाँ पे आपको EGSS सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अप्लाई नाउ कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पे आप अपना पैन कार्ड डिटेल्स भरेंगे, यहाँ पे आप आधार कार्ड, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, उसके बाद प्रोसीड। तो चलिए मैं भर देता हूँ। उसके बाद प्रोसीड करेंगे। उसके बाद आपको ये इंटरफेस आएगा, इसमें आई एग्री को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके मोबाइल पर OTP भेजा जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद कंफर्म OTP, उसके बाद थोड़ा वेट कर लेना है। उसके बाद टिक लग जाएगा। थोड़ा वेट करने के बाद आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल फिल करना है, फैमिली डिटेल, एड्रेस। तो चलिए मैं बारी बारी से सबको फिल कर देता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे ईमेल आईडी पूछ रहा है, मैं ईमेल आईडी फिल कर दिया। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, मैरिड, एजुकेशन क्वालिफिकेशन अदर, उसके बाद ऑक्यूपेशन में भी अदर डाल देता हूँ। ऑक्यूपेशन इसमें एग्रीकल्चर सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें एल1 इनकम 15,000 दे देता हूँ। उसके बाद सेल, उसके बाद फैमिली डिटेल पूछा जा रहा है, उसको भी फिल कर देंगे। तो चलिए मैं सारा कुछ फिल कर लिया, उसके बाद सेव करूँगा। यहाँ पे आप नॉमिनी भी ऐड कर सकते हैं, इसलिए मैं नॉमिनी अभी ऐड नहीं करूँगा। उसके बाद सेव, एड्रेस में अपना एड्रेस सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप परमानेंट रेसिडेंस टाइप सिलेक्ट करेंगे, आपका अपना है या रेंट पर है या कंपनी ने दिया है। तो मेरा अपना है तो मैं सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद एरिया का पिन कोड सिलेक्ट करना है, तो चलिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद कम्युनिकेशन एड्रेस में आप मकान का नंबर डालेंगे, सेक्टर डालेंगे, उसके बाद लैंडमार्क अपना डालेंगे यहाँ पे। कम्युनिकेशन एट रेसिडेंस टाइप में आपका है, कंपनी ने प्रोवाइड किया है या ब्रांड पर है। मेरा अपना है तो मैं इसलिए। उसके बाद यहाँ पे अपना ब्रांच का डिटेल्स आ जाएगा, आप जिस भी ब्रांच में खाता खोलने, तो मेरा फिलहाल एक ही ब्रांच आ रहा है, तो इसलिए मैं इस तो सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। उसके बाद आई एग्री, उसके बाद आई एम एन इंडियन सिटीजन एंड पे टैक्स ओनली इंडिया, आप इंडिया में टैक्स पे करते हैं तो यस करेंगे। उसके बाद प्रीव्यू एंड प्रोसीड, उसके बाद आपका सारा यहाँ पे स्टेटस बताया जाएगा, अगर आपका सही लग रहा है तो प्रोसीड करेंगे। उसके बाद इसको टिक करके चेक एजेंट एलिजिबिलिटी, यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करने के बाद ब्रांच की ओर से एक वीडियो कॉल आएगा, वो आपसे पैन कार्ड दिखाने के लिए बोलेगा और आपका अकाउंट एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो फिलहाल मैं इसको
अभी नहीं कर रहा हूँ। तो फ्रेंड उसके बाद से 10 से 15 दिन के बाद आपका एटीएम कार्ड, चेकबुक और पासबुक बाय पोस्ट आपके एड्रेस पर सेंड कर दिया जाएगा। थैंक यू।